मुफ्त की बिजली से रोशन हो रही पंचायतों पर विद्युत विभाग ने कसा शिकंजा। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट और सरकारी भवनों के विद्युत कनेक्शन नियमित कर पंचायत राज विभाग को बिल भेज दिया गया है। यही नहीं, बकाया सूची तैयार कर विद्युत विभाग ने पंचायत राज विभाग से बिल भुगतान करने की गुजारिश की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहनलालगंज तहसील के दोनों ब्लॉक की लगभग सभी 154 ग्राम पंचायतों में पॉल पर स्ट्रीट लाइट डे लगाकर मुफ्त की बिजली से गांव की गलियों को रोशन किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालयों में भी बिजली का उपयोग किया जा रहा था। विद्युत विभाग के पत्र भेजने के बावजूद भी अधिकांश पंचायतों ने विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं किया। वहीं विद्युत विभाग ने विभागीय मानकों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइटों के लिए औसतन 4 किलोवाट व पंचायत भवन के लिए 2 किलोवाट और सामुदायिक शौचालय के लिए किलोवाट का विद्युत कनेक्शन नियमित कर बिल जनरेट कर दिए हैं। सुनिए इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है सीडीओ उपेंद्र पटेल ने। अरे जो पंचायतों में एलईडी लाइट लगी हुई है खंबे से, इनका क्या मामला जो कनेक्शन के लिए आया है? देखिए, पंचायतों में इससे पूर्व कनेक्शन नहीं था और कई बार ग्राम प्रधान लोगों को बुला गया था कि आप अपने स्तर से संयोजन ले लीजिए, लेकिन उन लोगों ने संयोजन नहीं लिया बजट का अभाव होने के कारण। तो इस बार कॉरपोरेशन स्तर से ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी ग्राम सभा हैं और जहाँ भी स्ट्रीट लाइटें लगी हैं वहाँ कनेक्शन जो है खाताकरण कर दिया जाए और उस पर सब पे जो है मीटर लगवा दिया जाए। ये निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो मोहनलालगंज ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी ग्राम सभा हैं सब में लगभग जो है कनेक्शन दे दिया गया है और सब पे मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। ये आदेश पिछले 4-5 महीनों से चल रहा है। जब सारे ग्राम सभाओं में जब पंचायत घर बन गए हैं तब जो है आदेश आ गया था, उसके बाद से ये कार्यक्रम चालू हो गया है। बिजली चोरी करने वालों को क्या संदेश देंगे? देखिए, बिजली चोरी करना तो बहुत बड़ा अभिशाप है। बिजली चोरी होने की वजह से जो हमारे सम्मानित उपभोक्ता ऐसे हैं जो हर महीने बिजली का बिल जमा करते हैं, उनको बिजली देने में सुविधा होती है। इसलिए बिजली चोरी तो किसी स्तर पर करना नहीं चाहिए और हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। जैसा कि आप लोग पहले भी बताते रहे हैं कि हम लोग हर हफ्ते में 2 से 3 बार मॉर्निंग रेड कर रहे हैं, अपने स्तर से मॉस रेड कर रहे हैं और बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए पूरा प्रयासरत हम लोग हैं।